Welcome to CR International School Online Classes. How are you, student? I think everyone is fine there. Take care of yourself, beta. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा कर रखिए, बार बार हैंड सैनिटाइज और हैंड वॉश करते रहिए. ओके बेटा. बेटा क्लास कौन सी है आपकी? क्लास फर्स्ट. सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? कौन सा सब्जेक्ट है ये? इंग्लिश. बेटा इंग्लिश में आज हम क्या करेंगे? कौन सा लेसन है हमारा इंग्लिश में स्टार्ट? लेसन नंबर 3. व्हाट आर दे डूइंग? वे क्या कर रहे हैं? ओके. इस लेसन के अंदर आज हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 22 की. कौन सा पेज नंबर है ये? पेज नंबर 22. ओके, पेज नंबर 22 की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो बेटा सभी बच्चे इस वर्क को करने के लिए अपनी इंग्लिश की बुक और पेंसिल निकालेंगे, रेजर भी निकालेंगे, ठीक है? और इस वर्क को मैम के साथ साथ करेंगे, ठीक है बेटा? चलो फिर स्टार्ट करते हैं. क्या है बेटा? इन सर्कल द वर्ड्स That start with A-E-I-O-U. उस वर्ग को सर्कल में करना है जिनकी स्पेलिंग A-E-I-O-U से स्टार्ट होती है. A-E-I-O-U. ये फाइव थिंग्स मैम ने बताया था. ये फाइव लेटर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं ये? वोवल्स. क्या होते हैं? वोवल्स. वोवल्स कितने होते हैं मैम ने सिखाया था? फाइव होते हैं. A-E-I-O-U, ठीक है? आपने इस तरीके से फिंगर पे इसको लर्न भी करना है. ओके. और इन फाइव लेटर्स के अलावा जो बाकी लेटर्स है उन्हें क्या बोला जाता है? कॉन्सोनेंट बोला जाता है, ठीक है बेटा? जहां पर A-E-I-O-U होता है, जिस इन लेटर से जो भी स्पेलिंग स्टार्ट होती है उसके आगे क्या यूज होता है? ए एंड एंड यूज होता है. क्या बताया था मैम ने? ए एंड एंड यूज होता है, मैम ने ये बताया था. और इसके अलावा अगर कोई लेटर और कोई लेटर से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है, कोई स्पेलिंग शुरू हो रही, तो वहां पर क्या यूज होगा? ए यूज होगा, ठीक है? मैम ने ये बताया था. चलो फिर अब इस वर्क को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपने सर्कल लगाना है जिनकी स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो हम सर्कल करते हैं, किस किस को करेंगे? आप खुद इसका आंसर देंगे. फर्स्ट स्पेलिंग क्या है बेटा? ई डबल जी एग. अब ये जो एग की स्पेलिंग है किससे स्टार्ट हो रही है? ई से. तो ई हमारा क्या है? वोवल है. तो हम इसे क्या करेंगे? एग को सर्कल. आप भी मैम के साथ साथ सर्कल कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? के आई टी ई, काइट. क्या है ये? काइट. काइट की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही? के से. तो हमने यहां पर ये वोवल नहीं है, ये ए ई आई ओ यू जो पूछे जा रहे हैं ये वोवल है, ये वोवल नहीं है, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्या है? यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला. इसकी स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? यू से. और यू क्या है? वोवल. वोवल है, वोवल लेटर है, तो हम इसे क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. ओके बेटा. नेक्स्ट क्या है? जी आई आर एल, गर्ल. गर्ल किससे स्पेलिंग शुरू हो रही? जी. तो जी हमारा वोवल नहीं है, तो हम इसे सर्कल नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्या है? ए एन टी, एंट. आंट. ये क्या है बेटा? क्या है ये? किससे स्पेलिंग शुरू हो रही? ए से. किससे? देखिए ए से शुरू हो रही, तो हमारा वोवल है, तो हम क्या करेंगे? इसे सर्कल करेंगे. ओके बेटा. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लाइन एस के वाई, स्काई. किससे स्पेलिंग शुरू हो रही? एस से. तो हम इसे सर्कल नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्या? आई एन के, इंक. किससे स्पेलिंग शुरू हो रही? आई से. आई हमारा वोवल है, तो हम इसको सर्कल करेंगे. नेक्स्ट क्या है? एम ए आर बी एल ई, मार्वल. ये किससे शुरू हो रही है? बी से. तो हम इसे सर्कल नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्या है? ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज. किससे स्पेलिंग शुरू हो रही है? ओ से. तो हम इसे सर्कल करेंगे, क्योंकि ये हमारा वोवल वर्ड है. नेक्स्ट क्या है? डी डबल ई आर, डियर. तो डी हमारा वोवल नहीं है, तो हम इसे सर्कल नहीं करेंगे. ओके. किस किस को सर्कल किया बेटे हमने? एग, अम्ब्रेला, आंट, इंक एंड ऑरेंज. कितने हैं ये? वन टू थ्री फोर फाइव.
कितने वर्ड हैं ये, 5 वर्ड को जिन्होंने हम जिनको हमने सर्कल किया। अब इसी पेज पे एक्सरसाइज नंबर हम बी देखेंगे बेटा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। हमने ए और एन के साथ में फिल अ फॉर्म करना है। मैम ने ये पहले भी कराया हुआ है, ठीक है, ये हमारे लिए नया काम नहीं है। हमने ए एन कब यूज करना है, जब हमारे पास में वॉवल से स्पेलिंग शुरू हो रही, कौन कौन से वॉवल से, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अभी के अभी आप इसको लर्न कीजिए, ओके। जैसे मैम ने करवाया, कहाँ यूज होगा ए एन, वॉवल क्या है, और ए कब यूज होगा, जब ये नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है, इसके अलावा जो भी लेटर है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ही इज राइडिंग डैश हॉर्स, किससे स्पेलिंग शुरू हो रही है, एच से, तो क्या आएगा, क्या आएगा, ए, क्या आएगा, ए। ही इज राइडिंग अ हॉर्स, क्यों आया है, क्योंकि ये वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, आई सा डैश एलिफेंट इन द जू, किससे स्पेलिंग शुरू हो रही है, ये ई से, ई क्या है, वॉवल, तो क्या आएगा यहां पर, वॉवल के आगे एन, वॉवल के आगे एन, ठीक है। आई सॉ एन एलिफेंट इन अ जू, ठीक है। और मैम ने आपको क्या बताया था, ए और एन का क्या मतलब होता है, एक, क्या होता है, एक। नेक्स्ट क्या होता है, आई एट डैश एग टूडे, किससे स्पेलिंग शुरू हो रही, ई से, तो ई क्या है, वॉवल, वॉवल के आगे क्या आएगा, ए एन एन, क्या आएगा, एन, यानी आई एट एन एग टूडे, मैंने आज अंडा खाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही बॉट डैश न्यू का न्यू बैट, क्या है ये, किससे स्पेलिंग शुरू हो रही, किससे, एन से, किससे शुरू हो रही, एन से, तो एन सा, एन हमारा क्या है, वॉवल या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा यहां पर, ए, क्या आएगा, ए, ओके। नेक्स्ट देखेंगे बेटा लास्ट क्या है, दैट इज डैश रेड बॉल, किससे स्पेलिंग शुरू हो रही रेड की, आर से, आर क्या है, वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा यहां पर, ए, ठीक है। एक बार फिलअप अपने दोबारा से चेक कीजिए, राइट है कि रॉन्ग है। फर्स्ट का आंसर क्या आया, ए, सेकंड का ए एन, नेक्स्ट एन यानी एन, नेक्स्ट ए, लास्ट ए, ओके बेटा। पेज नंबर 22 का ये वर्क आपने बहुत सुंदर तरीके से नीट एंड क्लीन अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है, और सभी बच्चों ने इस वर्क को चेकिंग के लिए मैम को सेंड करना है, ओके बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बेटा, टेक केयर।